ये कान खोल के सुन लें, सरकारें आती हैं और जाती हैं, चाटुकारिता की इंतहा होती है, जो चाटुकारिता ये लोग कर रहे हैं। अब कैसे आएंगे फोटो में, अब कैसे इंटरव्यू होगा कि आप आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, अब विदेश में दौरा कैसे होगा, अब जब सत्ता से चले जाएंगे तो मशरूम की रोटी कहाँ मिलेगी, रोते हुए दिखाई देंगे। मेरे भाइयों बहनों, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैंने अपने बीबी बच्चों बीबी को त्याग दिया, मैंने अपने माँ बाप को त्याग दिया, मैं 25-30 साल जो भीख मांग करके भोजन किया हूँ मित्रों। संकल्प पत्र जो लाए हैं भाजपा, अच्छा मोदी का, मोदी का संकल्प पत्र है, भाजपा तो खत्म हो गई, भाजपा का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, बस एक ठो हुए है देश की भूल कमल का फूल। संकल्प पत्र में 10 बड़े बड़े वादे ले आए हैं, वो जुमला है और क्या, 15 लाख आपको मिले, 2 करोड़ रोजगार मिला, ये भी जुमला है। तो कह रहे हैं अगर हम जीतते तो सिलेंडर 500 में देंगे कंगना रनौत। कंगना रनौत वो जीतेंगे तो हो जाएंगे प्रधानमंत्री का, वो भी जुमला है। एक सिलेंडर लेकर के वीरांगना राजघाट पर डिस्को करते दिखाई देती थी, अमेठी छोड़ के भागने को तैयार हैं। और कंगना रनौत के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो मेरे प्रतिक्रिया के काबिल नहीं है, अब बकवास का जवाब मैं नहीं दे सकता। जिन हाथों में ताकत है राज तिलक लगाने की, जिन हाथों में ताकत है राज तिलक लगाने की, उन्हीं हाथों में ताकत है सर से ताज छीन लाने की। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। आज जो है लोकसभा चुनाव के पहला चरण जो है उसकी वोटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और इसी मुद्दे पे कि लोकसभा चुनाव का जो मुद्दा है कि किसका पलड़ा जो है ज़्यादा भारी दिख रहा है, एनडीए वर्सेस इंडिया जो चीज़ें आपको तमाम देखने को मिल रही हैं टीवी अखबारों में, तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चतुर्वेदी जी। सर क्या कहेंगे इस चीज़ पे, क्या लग रहा है किसका पलड़ा जो है भारी दिखता हुआ नज़र आ रहा है इस वक्त? अगर सबसे ज़्यादा बड़ा पल्ला भारी किसी का दिखाई दे रहा है तो इंडिया गठबंधन, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव हो रहा, प्रशासन पूरा जो है जोर लगाए हुए है कि जनता बूथ तक न जा पावे। जैसे कैराना में पीलीभीत का चुनाव बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है, वरुण जी को न्योता दिया गया कि रायबरेली से आप चुनाव लड़िए बीजेपी से, उन्होंने मना कर दिया। प्रधानमंत्री जब सभा करने जा रहे थे पीलीभीत में तो वरुण गांधी से कहे कि आप आ जाइए, वरुण गांधी कहे मैं नहीं आऊँगा। भाई एक बात तो पंडित नेहरू के खून में है कि ये खून बड़ा निराला है, क्योंकि पंडित नेहरू के पूर्वज तपस्वी थे, इन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, चाहे पंडित जी की बेटी रही हूँ, जिन्हें बुजुर्गियत में आतताइयों ने 38 गोलियों से छलनी कर दिया था, पूरी कार्बाइन खाली कर दिया था, पूरी 9mm की पिस्टल खाली कर दिया था। पंडित राहुल गांधी के पिताजी को आतताइयों ने मार दिया था बम से विभिन्न टुकड़ों में। तो ये परिवार जो है पंडित नेहरू का परिवार तपस्वी परिवार रहा है, त्यागी परिवार रहा, बलिदानी परिवार रहा। तो वरुण गांधी ने जो निर्णय लिया वो काबिले तारीफ है, मैं उसकी भूर भूर प्रशंसा करता हूँ, और हिंदुस्तान के जितने भी लोग इस चीज़ को सुन रहे हों उनको अपने परिवार से इसी तरीके से, अपने भाईचारे अपने चाचा ताऊ से मोहब्बत करनी चाहिए। पंडित राहुल गांधी ने जो नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोली है, गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा दिया है, उसका परिणाम धीरे धीरे आने शुरू हो गया है। आप ही लोगों ने मुद्दा उठाया था ईवीएम का कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, ईवीएम फोड़े जाएंगे अगर चुनाव नहीं होने देंगे, और उसी से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसी पे अभी भी ईवीएम पे ही वोट डाले जा रहे हैं। आइए आइए बिटिया, अभी हरिद्वार में ईवीएम मशीन को जनता ने तोड़ा है बूथ पे, कहा कि हम बैलेट पेपर से चुनाव। केरला की 4 मार्क ड्रिल में 4 मशीनें फेल पाई गई, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है एक वकील साहब ने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी के एक विंग के तौर पे काम कर रहा है, वो
कह रहे हैं सब सही चल रहा है चुनाव। राजीव अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, राजीव अग्रवाल ये कान खोल के सुन लें, सरकारें आती हैं और जाती हैं, आदमी को नियमों का संविधान के तहत पालन करना चाहिए, नहीं तो इस देश की जनता, एक कहावत सुनी है, जिन हाथों में ताकत है राज तिलक लगाने की, जिन हाथों में ताकत है राज तिलक लगाने की, उन्हीं हाथों में ताकत है सर से ताज छीन लाने की। आप इलेक्शन कमीशन को धमकी दे रहे हैं? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, बातें तो आप ऐसे ही कर रहे हैं। नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, चाटुकारिता की इंतहा होती है, जो चाटुकारिता ये लोग कर रहे हैं। देखिए, देश का संविधान, बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह अयोध्या में कहा उन्होंने, हाँ, कि हमारी 400 सीटें आ जाएंगी तो हम संविधान को बदल देंगे और मनुस्मृति लागू करेंगे। मतलब उन्हें भरोसा है ना कि 400 सीटें आएंगी ही उनके पास। आप सुनते जाइए और आप लोग हमें वोट दीजिए ताकि हम संविधान बदल दें। संविधान आप इसलिए बदलना चाहते हैं, चाइनीज एजेंटों ध्यान से सुन लो, देश के प्रधानमंत्री चाइना के इशारे पर देश की सेना को कमजोर कर रहे हैं, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, देश का बेरोजगार नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान बेढाल हो गया है, महिलाओं की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है, मणिपुर में आपने देख लिया, आज मणिपुर में भी चुनाव हो रहा है जहां बूथों पे गोलीबारी हुई है, देश सुरक्षित हाथों में है, इससे साफ पता चल गया। देश के गृह मंत्री को सुरक्षा कर्मियों ने बड़े मुश्किल से मणिपुर से बचा के लाए, देश सुरक्षित हाथों में है। तो देश की जनता अब सत्ता पढ़े लिखे के हाथों में देगी, किसी राजनीतिक जोकर के ले आए ना। संकल्प पत्र में 10 बड़े वादे कर दिए हैं उन्होंने। कौन सा संकल्प पत्र जो लाए हैं भाजपा? अच्छा, मोदी का संकल्प पत्र है। भाजपा तो खत्म हो गई, भाजपा का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, बस एक ठो हुए है, देश की भूल कमल का फूल। देखिए, अप्रैल फूल एक बार भी, लेकिन आएंगे तो वही ना, 10 संकल्प पत्र में 10 बड़े बड़े वादे ले आए हैं, मुफ्त इलाज होगा, वो जुमला है, आप पहले ही बता रहे हैं वो जुमला है। और क्या, 15 लाख आपको मिले, 2 करोड़ रोजगार मिला, ये भी जुमला है। अब वो रोते हुए दिखाई देंगे, मेरे भाइयों बहनों मैं बड़ा दुखी हूँ, मैंने अपने बीबी बच्चों बीबी को त्याग दिया, मैंने अपने माँ बाप को त्याग दिया, मैं 25-30 साल जो भीख मांग करके भोजन किया हूँ। मित्रों, आप मजाक बना रहे हैं प्रधानमंत्री का, इनको मित्रोनिया की बीमारी हो गई है, छपास, अब कैसे होगा छपास, अब कैसे आएंगे फोटो में, अब कैसे इंटरव्यू होगा कि आप आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, अब विदेश में दौड़ा कैसे होगा, अब जब सत्ता से चले जाएंगे तो मशरूम की रोटी कहाँ मिलेगी। आज उनसे पहले ही आप बोल दे रहे हैं कि चले जाएंगे मोदी जी, बदलाव कहाँ दिख रहा है आपको? आपको बदलाव नहीं दिख रहा है कि 8 सीट पर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, दुकान साफ, 39 सीट पे तमिलनाडु में है, वहाँ दुकानदारी साफ, साउथ इंडिया में अब 0 हैं, 5 सीट पे महाराष्ट्र में हो रहा है, 5 हार रहे हैं, यहाँ तक कि बीजेपी गुजरात ला भी गडकरी को निपटाने में लग गई है। तो आप मुझे बता दीजिए कि कोई इलाकावा सुरक्षित बचा है? हरिद्वार की सीट आप हार रहे हैं बीजेपी। जो राहुल गांधी ने न्याय पत्र जो निकाला है उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वो चुनाव के बाद फिर से बदल जाएंगे या उसी पे अमल रहेंगे? आपको मैं बता दूं कि पंडित राहुल गांधी जुमलेबाज नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, और उनके शरीर में पंडित जवाहरलाल नेहरू का खून दौड़ रहा, जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे,
जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति चाहे जॉन कैनेडी रहे हो या कोई रहा हो एयरपोर्ट पर रिसीव करके ले गया है। पंडित राहुल गांधी के पिता को रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति थे, प्रोटोकॉल ही भूल गए, छतरी लेकर के स्वयं पीछे चल दिए। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी विश्व की वो लेडीज थी जिनकी तारीफ इनके पितामह बीजेपी के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी करते थे। तो वो खून और तेवर ढीला नहीं पड़ने वाला है, ये जान लीजिएगा। जो उन्होंने कहा है और छरछा वही लागू होगा, वो जुमला साबित नहीं होगा। ये आप भली भांति जान लीजिए। तो आखिरी अब तो तीसरे देश की जनता का, जनता जनार्दन का विश्वास है कि इंडिया गठबंधन ही देश का भला कर सकता है। इंडिया गठबंधन के द्वारा बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलने की संभावना प्रबल दिख रही है। देश में गंगा जमुनी तहजीब आपसी भाईचारा को बढ़ावा मिलेगा, देश विकास के रास्ते पे चलेगा। अगर राहुल गांधी आते हैं तो हाँ, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, जनता आने देगी तब आएंगे ना। ये बताइए, पूरे हिंदुस्तान की जनता 140 करोड़ है, मोदी जी के परिवार के लोग कितने हैं? 140 करोड़ है नहीं, उनके परिवार के लोग बृजभूषा शरण सिंह, चिन्मयानंद स्वामी, इनके आध्यात्मिक गुरु आसाराम तीर्थ यात्रा पे किसी जेल में बंद हैं। वो बहुत इतनी तपस्या किए कि मेनका उनके ऊपर खुश हो गई और वो अपना अंदर विराजमान हैं। मैंने जितने बलात्कारी, व्यभिचारी, दुराचारी, देशद्रोही, गद्दार मोदी जी के परिवार में विजय माल्या हैं, गौतम अडानी हैं, मुकेश अंबानी हैं, जो बीफ कंपनियां हैं ना, बीफ गाय भैंसा उंसा की मांस बेचती हैं, बकरे कोरे का, उन्होंने कहा है कि अगर हम आते हैं तो 500 में देंगी सिलेंडर, 500 में देंगी। वो क्यों सा वो कह रही है अगर हम जीतते हैं तो सिलेंडर 500 में देंगी कंगना रनौत। कंगना रनौत हाँ, वो जीतेंगी तो हो जाएंगी प्रधानमंत्री का, वो भी जुमला है, उसे भी जुमला बता रहे हैं आप। अरे भाई, एक सिलेंडर लेकर के वीरांगना राजघाट पर डिस्को करते दिखाई देती थी, अमेठी छोड़ के भागने को तैयार हैं। और कंगना रनौत के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो मेरे प्रतिक्रिया के काबिल नहीं है। अब बकवास का जवाब मैं नहीं दे सकता, वो केवल बकवास है, तो बकवास पर मैं क्या जवाब दूं? तो ये थे हमारे साथ चतुर्वेदी जी। तो सुना आप लोगों ने किस तरीके से उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। तो इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।